हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम संजीव कुमार जिंदल है। मैं पिछले 25 सालों से एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं और मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग के बारे में वीडियोस लेकर आता हूं। फ्रेंड्स, मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग या वर्क फ्रॉम होम काम स्टार्ट कर दिया है मेरे वीडियोस देखकर, और आपके कमेंट्स से ये मुझे जानकारी मिलती है कि आप में से कई लोगों ने अच्छी खासी कमाई भी शुरू कर दी है। मुझे ऐसे सैकड़ों कमेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों ने कहा है कि मैं आपको कोई इतना आसान पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम काम बताऊं जो हर व्यक्ति कर सके, उसके अंदर कहीं पर भी ऐसा ना हो कि किसी को किसी से काम करवाना है या किसी को कोई काम नहीं आता हो। तो मैंने फ्रेंड्स ये फैसला किया कि जिन लोगों ने मुझे ये कमेंट्स भेजे थे, मैंने उन्हीं से कमेंट्स करके ये पूछना शुरू किया कि आप ही बताएं कि आपको क्या लगता है वो क्या काम हो जो आप बहुत आराम से घर बैठ के कर सकते हो और एज ए पार्ट टाइम अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो। आप क्या काम करना चाहते हैं। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि तकरीबन सभी लोगों ने एक जैसा ही जवाब दिया कि वो ये चाहते हैं कि वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहा सबने कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपनी मातृभाषा में कुछ अपने विचार लिख दें और उन विचारों को लोग पढ़ें और उन पे एडवर्टीजमेंट्स आएँ और उनको कमाई हो। और मैंने जब थोड़ा सा ज़्यादा खंगाला कि भाई किस तरह की भाषा में लिखना चाहते हैं, तो ज़्यादातर ने इंग्लिश भाषा के लिए मना कर दिया और ज़्यादातर ने कहा कि वो हिंदी में लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं, बांग्ला में लिखना चाहते हैं, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, इन भाषाओं में वो लिखकर कमाई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये अब काम था कि मैं एक ऐसा पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम लेकर आऊं जो सिर्फ मातृभाषा में लिखने का हो और 100% मोबाइल फ़ोन से किया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ही है, लैपटॉप नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसा ही काम लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप में से शायद काफ़ी लोगों ने सुना होगा और ज़्यादातर लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। उसको हम कहते हैं ब्लॉगिंग, और वो भी अपनी मातृभाषा में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, और ये 100% फ्री ज्वाइनिंग है। इसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ीस या कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, एक रिटायर्ड पर्सन हैं, या आप जॉब करते हैं, कुछ पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम कोई इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप ये काम आराम से अपने खाली समय में कर सकते हैं। या अनफॉर्चुनेटली आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं किसी कारण से, तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको पहले अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। फ्रेंड्स, आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्रोसेस करना है, उसके बाद मैं आपको मोबाइल पे भी पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले आया हूँ। ब्राउज़र में जाएंगे, टाइप करेंगे ब्लॉगर, तो अब ये blogger.com खुल गया फ्रेंड। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉगर का होम पेज है। जब आप जाएंगे तो ये खुलेगा आपके सामने। तो अब हम यहाँ पे साइन अप करेंगे, तो साइन अप करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है जहाँ लिखा है क्रिएट योर ब्लॉग। हमने यहाँ से एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमसे ये कह रहा है कन्फर्म योर प्रोफाइल, द प्रोफाइल दैट रीडर्स विल सी वेन दे व्यू योर पोस्ट इज शोन बिलो। तो यहाँ पर हमें कोई ब्लॉगर प्रोफाइल डालनी है फ्रेंड्स। तो जैसे सपोज़ अगर आप स्टूडेंट हैं, तो सपोज़ आपका नाम राकेश है, तो आप डाल सकते हैं राकेश ब्लॉगर। और राकेश ब्लॉगर अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत कॉमन नाम है, तो आप उसके आगे डाल सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, लेट्स से 1999। अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आप अपने लिए उस हिसाब से नाम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एक नाम डाल देता हूँ। अब हम कंटिन्यू टू ब्लॉगर में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके अंदर कोई और लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका। ईमेल आईडी डालते ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम ब्लॉग्स पे जाएंगे सीधे, क्रिएट न्यू ब्लॉग। अब यहाँ पर सपोज़ हम एक टाइटल डालेंगे, लेट्स से फ्रेंड। अब मैं आपको मेन चीज़ जहाँ पर मैं आपको अब समझाना चाहता हूँ, वहाँ हम पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। बेसिकली आप जो ब्लॉग लिखते हैं वो आप अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, मैं आपको अभी लिख कर दिखाऊँगा यहाँ पर। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा ब्लॉग लिख सकते हैं, आप हाउसवाइफ हैं तो कैसा ब्लॉग लिख सकते हैं अपनी मातृभाषा में। इंग्लिश में नहीं लिखना है,
घबराइएगा मत बिल्कुल भी कि यहाँ पर ये सब इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको इंग्लिश में लिखना है। आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश में भी लिख दीजिए, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी मातृभाषा में लिखें। तो आप बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स ए टू जेड इसमें बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए फिलहाल एक टाइटल डाल देता हूँ, और ये टाइटल मैंने डाला है फ्रीलांसर। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइटल डाला, देखिए यहाँ नीचे दिखा रहा है कि हमें अब यहाँ पर जो एड्रेस देना है अपने ब्लॉग का वो ये देना है। एड्रेस का मतलब ये है फ्रेंड कि अगर आपका ब्लॉग आपने लिखा ब्लॉगर पे, तो डेफिनेटली है कि उसका एक एड्रेस होना चाहिए, ताकि अगर आप ये एड्रेस किसी से शेयर करते हैं तो वो व्यक्ति इस ब्लॉग तक पहुँच सके। तो यहाँ पर वो हमें एड्रेस डालना होता है। यहाँ पर देखिए blogspot.com ऑटोमेटिकली रहता है, यहाँ पर हमने एक एड्रेस डाल देना है पहले। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, अब ये आ गया। अब इसने दिखा दिया दिस ब्लॉक एड्रेस इज अवेलेबल। तो अगर आप सपोज यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करते हैं अपना एड्रेस, तो सपोज वो आपको दिखाता है कि ये ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर रखा है या यूज़ कर रहा है, तो आप इसको यहाँ से बदल सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमें कोई थीम सेलेक्ट करनी है, कि हमें किस तरह का ब्लॉग बनाना है। इसके अंदर बहुत सारी थीम्स हैं, जब आप इस पर आएंगे तो आप खोल खोल के देख सकते हैं। फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैंने एक कंटेम्पररी वाला ले लिया है और इसको क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉगर खुल गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक विंडो खुलेगी, ये गूगल डोमेन्स करके एक विंडो खुली है। फाइंड अ डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग एंड कनेक्ट इट इंस्टेंटली। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो गूगल डोमेन्स है ये पेड होता है फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल हमें फ्री में रजिस्ट्रेशन करके ब्लॉग्स लिखने हैं, पैसा कमाना है, और उसके बाद शायद फिर हम पेड डोमेन्स भी ले लें। इसको अभी हम कट कर देंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉगर का पेज खुल गया। यहाँ पर अब हमें कुछ भी ब्लॉग पोस्ट लिखना है, वो मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा कि आप अपनी मातृभाषा में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएंगे, ये दिखा रहा है देर आर नो पोस्ट, तो क्रिएट अ न्यू पोस्ट, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं, अब मेन चीज़ वही है, मैं आपको सबसे पहले वही दिखाऊंगा कि आप यहाँ पे कितनी भाषाओं में अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर लैंग्वेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं, हिंदी है, मराठी है, नेपाली है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं फ्रेंड। मैंने आपको जैसे बताया था, इसके अंदर उर्दू भी है, पंजाबी भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, तेलुगु, कन्नड़ा, सभी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए हिंदी चूज़ करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, क्योंकि आपके यही कमेंट्स रहते हैं हमेशा कि आप करके दिखाइए, तो मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा कि आप आराम से अपना ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं। आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि हम क्या लिखें, हमारे पास ऐसा बताने के लिए क्या है जिसे दुनिया या लोग पढ़ना चाहेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, सबसे अच्छी चीज़ बताने के लिए दुनिया को वही होती है जो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कैसे अपना ब्लॉग लिखें, और वो भी हिंदी में। अब देखिए यहाँ पर आके मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ पर देखिए टाइप करना शुरू करता हूँ, और आपको यहाँ पर टाइप करने के लिए फ्रेंड्स कुछ सोचना नहीं है। अब मैं एक स्टूडेंट की तरह टाइप कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा, मैं बिल्कुल लाइव टाइप कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप करते जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस आते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये टाइप होता जा रहा है, अब जैसे देखिए मैंने लिखा, मैं एक स्टूडेंट की लाइफ जी रहा हूँ। आगे लिखना है, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। अब मैं आगे लिखता हूँ, उसके बाद मैं अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगता हूँ। अब मैं टाइप करूँगा, मुझे ये डर लग रहा है कि कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर मुझे डांटेंगे क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मुझे जितना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझकर लिख रहा हूँ। आप जब भी सुबह उठते हैं, आपको पता होता है आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी खुशियाँ क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, आपकी उम्मीदें क्या हैं, बस आपने वही लिख देना है ब्लॉगर में। अगर आप ये सोचने लग जाएंगे कि मैं क्या लिखूँ, तो आप कभी लिख ही नहीं पाएंगे। बस आपको अपनी रोज़ की दिनचर्या का ब्लॉग लिख देना है, और इस तरीके से ये, और इसको आप 10, 12, 15 लाइनों में फ्रेंड्स लिख दीजिए। अब सपोज़ ये एज ए स्टूडेंट मैंने लिखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर एक हाउसवाइफ हैं तो आप किस तरह का ब्लॉग लिखें। तो मैंने लिखा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और रात को 11 बजे तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, काम करते करते मेरी कमर टूट जाती है।
लेकिन कोई मेरी परवाह नहीं करता। अब आपने देखा फ्रेंड्स, जब आप अपनी असली रियल ज़िंदगी के बारे में लिखने लगते हैं तो वो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप फेक या सोच कर लिखेंगे तो आप बहुत बेकार लिखेंगे। आप अपनी असली ज़िंदगी के बारे में ब्लॉग लिखना शुरू कर दीजिए, आप देखिएगा उस ब्लॉग को पढ़ने में हर एक व्यक्ति इच्छुक होगा, इंटरेस्टेड होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक स्टूडेंट के बारे में छोटा सा एक लिख कर दिखाया क्या लिख सकते हैं आप, इसको 10-20 लाइनें लिख सकते हैं। और इसी तरह से मैंने एक हाउसवाइफ का आपको बताया। अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ कि अगर सपोज़ आप एक अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आप किस तरह का ब्लॉग लिखेंगे। वही चीज़ है, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये लिखा, मैं एक बेरोज़गार व्यक्ति हूँ, कई महीनों से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नौकरी है कि पास फटकने का नाम ही नहीं लेती। देखिए फ्रेंड, आप चाहें अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप अपनी रोज़ की दिनचर्या के बारे में एक पेज रोज़ लिख सकते हैं। और आप विश्वास मानिए फ्रेंड, जो सच्ची चीज़ आप लिखेंगे उसको पढ़ने के लिए लाखों लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो फ्रेंड, ब्लॉगर पे सक्सेसफुल होकर आप अगर कमाई करना चाहते हैं तो यही कुंजी है। आप जो भी लिखें उसमें इमोशंस होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं, आप जरा पढ़ के देखिए, मैंने आपको ये तीन एग्जांपल दिए, ये स्टूडेंट का, ये हाउसवाइफ का और ये बेरोजगार व्यक्ति का। अगर आप इनमें इमोशंस लेकर आएंगे तो लोग पढ़ेंगे और उसको शेयर भी करेंगे और वो वायरल हो जाता है फ्रेंड्स। और हमेशा अपनी मातृभाषा में लिखिए। मैंने जब ये YouTube पे वीडियो डालने शुरू किए थे तो मैंने पहला जो वीडियो डाला वो हैरानी होगी आपको, मैंने इंग्लिश में डाला, और जो दूसरा वीडियो डाला वो मैंने हिंदी में डाला। और जो इंग्लिश वाला वीडियो था, आज एक साल बाद भी उस पर मेरे ख्याल है 10 या 12 हज़ार व्यूज़ हैं। जो मैंने हिंदी में वीडियो डाला था वो वीडियो फ्रेंड्स आज 8 लाख लोगों ने देख और सुन लिया है। तो मतलब कहने का ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आप अगर कोई भी लिखकर या किसी भी तरीके से कमाई करना चाहते हैं तो हिंदी या अपनी मातृभाषा में कीजिए। अगर आपको बंगाली आती है तो यहाँ से आप बंगाली चुन लीजिए। यहाँ पे देखिए गुजराती भी है, यहाँ पर और भी बहुत सारी, मराठी भी है। अब आप कहेंगे कि जी मराठी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में करोड़ों लोग हैं जो मराठी पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, और मराठी के अंदर हिंदी और इंग्लिश के मुकाबले कम आर्टिकल्स होंगे, तो आपको इसके अंदर भी लाखों पढ़ने वाले मिल जाएंगे। तो आप ये सोच के मत चलिए, सपोज आप अगर गुजराती में लिखते हैं तो वहाँ पर करोड़ों लोग होंगे जो गुजराती में पढ़ना चाहेंगे। आप उस भाषा का इस्तेमाल कीजिए जो आपकी मातृभाषा है, क्योंकि आप मातृभाषा के अंदर सोचते हैं, आप उसमें ज़्यादा आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहेंगे तो आपको हिंदी या अपनी मातृभाषा में सोचते हैं पहले आप, फिर आपका दिमाग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, फिर आप उसको लिखते हैं, तो उसके अंदर इमोशंस होते ही नहीं हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो मातृभाषा के अंदर आपको ब्लॉगर बनना है, फिर आपको कामयाब होने से और पैसा कमाने से फ्रेंड्स कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको एक पोस्ट का टाइटल डालना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक टाइटल डाल दिया। आपको हर एक चीज़ इमोशनल चूज़ करनी है फ्रेंड्स, इमोशंस बिकते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जाके पब्लिश कर देना है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है मेरी लाइफ की कहानी। अब मैं व्यू पे जाऊँगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पब्लिश हो गया। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, अब ब्लॉगर या blogspot.com पे आपकी कमाई कैसे होती है? बेसिकली ये होता है फ्रेंड्स कि जब आपके लिखे हुए ब्लॉग्स या ज़िंदगी की कहानियाँ लोगों में फेमस हो जाती हैं तो आपकी लिखी हुई ब्लॉग के ऊपर कंपनियाँ एडवर्टाइज़ या विज्ञापन देती हैं, क्योंकि कंपनियों को यह पता चल जाता है कि इस कहानी या इस स्टोरी या इस ब्लॉग को देखने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं, तो वहाँ पर वो विज्ञापन देते हैं। और उस विज्ञापन का जो पैसा वो पे करते हैं उसका एक हिस्सा आपके पास आता है, वो आपकी कमाई है। एक बार अगर आपकी लिखी हुई 10-15 ज़िंदगी की कहानियाँ फेमस हो गई, मशहूर हो गई, तो आप पैसों में खेलने लगोगे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप पैसा कहाँ से पाते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है गूगल एडसेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस ही वो कंपनी है जो आपकी लिखी हुई कहानियों या ब्लॉग्स के ऊपर कंपनियों की एडवर्टीजमेंट्स दिलवाती है। और जो पैसा गूगल एडसेंस को मिलता है उसका 1% आपको मिल जाता है, वो आपके अकाउंट में आ जाता है।
मैं आपको अब गूगल एडसेंस पे ले जाकर ये दिखाऊंगा कि वहाँ पर आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गूगल एडसेंस पे रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस का थोड़ा बहुत आइडिया मैं अभी आपको दे दूंगा, लेकिन आप रियल में रजिस्ट्रेशन तब कर पाएंगे जब आप कम से कम 15 या 20 ब्लॉग्स लिख चुके होंगे। ये गूगल एडसेंस की पॉलिसी है, जिन ब्लॉगर्स के कम से कम 15 या 20 ब्लॉग्स या जिंदगी की कहानियां लिखी जा चुकी होती हैं, सिर्फ उन्हीं को वो मोनेटाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां आ जाएंगे, यहां टाइप करेंगे गूगल एडसेंस। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर खुल गया गूगल एडसेंस, अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन। यहां क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है गूगल एडसेंस। अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि ये कितना पैसा अभी तक बांट चुका है। देखिए फ्रेंड्स, $10 बिलियन ये अभी तक पे कर चुका है। यही कमाई है जो ब्लॉगर्स को मिलती है फ्रेंड्स। अब ये काम कैसे करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपका ब्लॉग पोस्ट मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप किस कंपनी की कैसी एड या विज्ञापन अपने ब्लॉग पर डालना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट द एड यू वॉन्ट ऑन योर साइट, ठीक है। फिर ये आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि आप अपने आर्टिकल के किस पोर्शन पे, कहाँ ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहाँ पर वो एड आए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज वेयर यू वॉन्ट एड्स टू अपीयर। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि वो कौन सी एडवर्टीजमेंट्स या विज्ञापन हैं जिन पे सबसे ज़्यादा पैसा इस वक्त मिलता है, तो आप उनको चूज करके भी अपने ब्लॉग या आर्टिकल पर डाल सकते हैं। मैं अब आपको ये दिखाऊंगा कि आप साइन अप कैसे करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने ये कह रहा है आप URL ऑफ योर वेबसाइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड कि URL कौन सा है आपका। ये देखिए, ये जो हमने बनाया था, देखिए आपको याद होगा ये हमने बनाया था rakesh0897.blogpost, ये आपका URL है। तो मैं यहाँ से फ्रेंड्स कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ गेट हेल्पफुल एडसेंस इन्फो एट दैट ईमेल एड्रेस। यस, आप चाहते हैं कि आपको ईमेल आए एडसेंस की तरफ से, हमने ये यस कर दिया और अब हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए दिखा रहा है फ्रेंड योर वेबसाइट, ये देखिए नाम है, टू कंटिन्यू सेटिंग अप एडसेंस यू नीड टू गो टू योर होस्ट एंड कंप्लीट द साइन अप देयर, प्लीज साइन अप डायरेक्टली फ्रॉम blogpost.com। तो फ्रेंड्स अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू इन blogspot.com। तो जहां पर हमने अभी एक एक्सपेरिमेंटल हिंदी में ब्लॉग लिखकर आपको दिखाया था, हम वहीं पर वापस पहुंच गए फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए लिखा रहा है मेरी लाइफ की कहानी। तो फ्रेंड्स अब आपने देख लिया कि किस तरीके से ये एक प्रोसेस पूरा होता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पैसे कब आने शुरू होंगे। तो एज पर ब्लॉगर्स या blogspot.com की पॉलिसी के मुताबिक, जब आपके कम से कम 15 ब्लॉग्स या आर्टिकल्स या कहानियां लिखी जा चुकी होंगी और हर कहानी कम से कम 250 वर्ड्स या शब्दों की होगी, यानी तकरीबन एक पैराग्राफ सिर्फ फ्रेंड्स, जो बहुत आसान है, फिर उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप अपने आर्टिकल्स ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, बहुत आसान है, सिंपल है और फ्री है। जब आपके 10-15 ब्लॉग्स हो जाएंगे तो मैं जल्दी ही आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉगस्पॉट या ब्लॉगर अकाउंट को एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको जैसे प्रॉमिस किया था अपने मोबाइल फ़ोन पर ले जाके दिखा देता हूँ कि ये प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर ले आया हूँ। हम यहाँ पर गूगल सर्च में जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे ब्लॉगर, यहाँ पर आएंगे जहाँ blogger.com लिखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आजकल ज़्यादातर जो साइट्स बनती हैं जिसमें blogger.com भी है, आप इस साइट को जिस तरह से लैपटॉप पे खोल सकते हैं ठीक उसी तरह से अपने मोबाइल फ़ोन पे भी खोल सकते हैं, उसके सारे फीचर्स के साथ में। अब आप यहाँ आएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर डेस्कटॉप साइट है, ये खुल गई। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल उसी तरह से खुली है जिस तरह से लैपटॉप पे खुली थी। आप यहाँ पर उसी तरीके से आके आपने क्रिएट योर ब्लॉग पे जाके क्लिक करना है और वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल 100% जिस तरह से लैपटॉप पर हुआ था। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ब्लॉगर की एक ऐप भी है, वो भी आप
गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके वहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए लैपटॉप होना कोई आवश्यक नहीं है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लैपटॉप पे काम ज़्यादा जल्दी होगा, ज़्यादा जल्दी आप टाइप कर सकेंगे, मोबाइल से थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन आपके पास लैपटॉप होना कोई आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान है blogger.com पे जाके अपना अकाउंट बनाना और उसके ऊपर काम स्टार्ट करना। अब ये काम तो आप बहुत आराम से कर ही सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें कामयाब भी होंगे और इसमें अच्छी खासी कमाई भी करेंगे। तो ये तो था दोस्तों पार्ट टाइम जॉब के बारे में। मैं जैसा कि आपको पहले भी बताता रहा हूँ, मैंने फुल टाइम जॉब के बारे में भी काफ़ी वीडियोस बना के YouTube पर डाले हुए हैं। मैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, आप जाकर वहाँ पर देखिएगा। उसमें मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रखी हैं फुल टाइम जॉब पाने के लिए जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूर जल्दी ही आपको अपनी मन मुताबिक फुल टाइम जॉब भी फ्रेंड्स मिल जाएगी। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।